this event. As we know, you have mentioned a sustainability. I'm very happy that the Mumbai Festival is focusing on sustainability, and we were given an opportunity to highlight why sustainable development goals is so important, how sustainable tourism will impact the health, the peace, the progress of not only our city and not only our state but our country. And I'm really, really encouraged by the participation of the government and of course stakeholders in understanding and implementing SDGs. Ma'am, infrastructure ki baat ki jaye agar to matlab Mumbai mein hum keh rahe hain ki matlab ki infrastructure bahut badh rahe hain, jaise bridges ban rahe hain, travel ban rahe hain aur sari cheeze ban rahi hai, but uski wajah se jo traffic hota hai aur jo pollution ho rahe hain, to uski jo government kya kar rahi hai ya aapke hisab se government ko kya karna chahiye? आई थिंक मैं हमेशा इंडिविजुअल लेवल पर ही आती हूँ, क्योंकि जब तक हमारे जो बिल्डर्स हैं वो जितने भी यू नो क्लाइमेट प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के जो नॉर्म्स हैं, जो बेसिकली बहुत सारे गाइडलाइंस बने हुए हैं, लेकिन लोग उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उनको प्रैक्टिस नहीं करते. आपने हाल ही में नोटिस किया होगा कि काफ़ी नए कंस्ट्रक्शन पे अभी वो हरे पर्दे लगे हैं जो पिछले 6-8 महीने से नहीं थे. कुछ चुनिंदा बिल्डर्स होते हैं जो हरे पर्दे लगाते हैं ताकि डस्ट ट्रैवल ना करे, एस्केप ना करे. तो उम्मीद यही है कि जितने भी हमारे साथी मुंबई के नागरिक हैं, चाहे वो बिल्डर है या हॉस्पिटल है या स्कूल है या कॉलेज है या ऑफिस है, सब अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारी समझें. और जो पोल्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जिससे चाहे वो वेस्ट बर्निंग से हो या कंस्ट्रक्शन डस्ट हो, वो जिम्मेदारी ले और उसे कम करें. मैम, हमारे इंडिया में काफ़ी चीज़ें हैं जो हम बाहर जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और इंडिया में अभी रिसेंटली एक नया हिस्टोरिक मूवमेंट हुआ है. आए होते आप तो क्या कहना चाहेंगे, सच अ लकी मूवमेंट फॉर एज इंडियंस कि हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं ये एरा में. यू नो, देर इज़ अ वेरी पावरफुल कैंपेन दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कॉल्ड मिशन लाइफ, विच इज़ लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट. हम एज इंडियंस दुनिया का हर जगह देखने जाते हैं, बट सारी दुनिया हमारे देश आती है हमारे हिस्टोरिकल साइट्स देखने के लिए, हमारी ब्यूटी, हमारा आर्किटेक्चर, हमारा कल्चर समझने के लिए, जानने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए. तो ये जो मिशन लाइफ का एक ब्रांच है कॉल्ड टूरिज्म, विच इज़ कनेक्टेड टू टूरिज्म, एंड मेरी उम्मीद यही है कि हम जो भी बनाएं, जो भी सेलिब्रेट करें, चाहे वो त्यौहार हो या हमारे मॉन्यूमेंट्स हो या हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप हो, हर जगह में मिशन लाइफ दिखाए. थैंक यू सो मच.